ओ श्री नमः जय गुरु सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर प्रणाम अभी दो दिन पूर्व ही अर्थात पंद्रह जनवरी 2024 को मकर संक्रांति व तिल संक्रांति का पर्व विश्व भर में मनाया गया आज की इस प्रस्तुति में हम लोग इसी पर्व के विविध पक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे मकर संक्रांति प्राचीन सनातन वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो जनवरी माह की लगभग चौदह या पंद्रह तारीख को मनाया जाता है इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है ऐसी धारणा है कि इस दिन किया गया दान सौ गुना बढ़कर प्राप्त होता है मकर संक्रांति का पर्व न मात्र अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है इसके विविध विविध प्रदेशों में विभिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक नाम हैं। आज के दिन सूर्यदेव सहित भगवान विष्णु लक्ष्मी माता शनि देव इत्यादि की भी पूजा की जाती है बिहार प्रांत में इसे तिल संक्रांति या सिर्फ संक्रांति अथवा दही चूड़ा के नाम से असम में माघ बिहू व भोगाली बिहू के नाम से पंजाब में माघी संक्रांत हरियाणा में संक्रांत राजस्थान में सक्रात, जम्मू में माघी संक्रांत व उत्तरायण हिमाचल प्रदेश में माघी साझी उत्तराखंड में घुघुती या घुभतिया उत्तर प्रदेश में उत्तरायण अथवा खिचड़ी संक्रांत पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कश्मीर में शिशुर संक्रांत केरल में मकर संक्रांति मध्य भारत में सक्रात या सुक्रात, तमिलनाडु में पोंगल या उडवर तिरनल गुजरात में उत्तरायण ओडिशा में मकर मेला व मकर संक्रांति कर्नाटक में सुग्गी हब्बा व मकर मकर संक्रांति झारखंड गोवा में मकर संक्रांति महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम कुम या मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश तेलंगाना में संक्रांति पेड्ढा पंडुगा व मकर संक्रमणाम नेपाल राष्ट्र में माघे संक्रांति थाईलैंड में सोंगक्रांत म्यांमार व प्राचीन बर्मा में थेंग्यान कंबोडिया में मोहन सोंग क्रान पाकिस्तान में तिरमुरी या तिरमौरी सिंध प्रांत में पाकिस्तान के श्रीलंका में उलावर थिरुनल लाओस में पीमा लाओ इत्यादि नामों से इस पर्व को जाना और मनाया जाता है इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है बारह वर्ष पर लगने वाले हर कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है वैसे भारत में प्रचलित सभी सनातनी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित हैं और यही कारण है कि हमारे वैदिक पर्व त्योहारों की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है क्योंकि अंग्रेजी तारीखें सौर्य सौर गति पर आधारित होती है अंग्रेजी तारीख के लिए जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं जो एक सोलर कैलेंडर है यानी सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर है मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली हेरफेर की वजह से यह कभी 14 जनवरी को होता है तो कभी 15 को लेकिन सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से इसकी अंग्रेजी तिथि नहीं बदलती ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से से मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं मकर संक्रांति मकर अर्थात कैप्रिकॉर्न या मकर राशि अथवा मकर रेखा भी कह सकते हैं और संक्रांति शब्द आया है संक्रमण से जिसका अर्थ होता है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में एक दशा से दूसरे दशा में एक स्थान से दूसरे स्थान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गति या संचरण इसलिए संक्रमण से संक्रामक रोग संक भी होते हैं जो एक से दूसरे में संचारित होते रहते हैं तो मकर संक्रांति अर्थात सूर्य की गति जब धनु राशि से मकर राशि में हो जाती है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं वास्तव में यह सूर्य की गति नहीं है क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी की तुलना में सूर्य ऐसा नहीं कि सूर्य गति नहीं करता है घूमता नहीं है लेकिन पृथ्वी की तुलना में अगर इसे स्थिर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी तो फिर सूर्य की गति से तात्पर्य है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रहती है तो इसके और सूर्य के बीच में अलग अलग नक्षत्र व राशियां आती रहती हैं और इसलिए जो राशि पृथ्वी से और सूर्य के बीच में पड़ती है हम कहते हैं कि सूर्य उस राशि में प्रवेश कर गया और इस समय सूर्य जो है वो धनु राशि से अर्थात इस समय पृथ्वी से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सूर्य चलता हुआ मकर राशि में आ गया है इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है क्योंकि इस इस दिन कहते हैं कि सूर्य की अब दिशा जो है वो अगले छह महीनों के लिए उत्तर की ओर होती है अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी की जो गतियां होती हैं दो तरह की होती हैं एक घूर्णन जो अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है और इसी प्रकार घूमते घूमते यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है जो अपने अक्ष के चारों ओर सूर्य लट्ट, पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है इसे इसका घूर्णन या रोटेशन कहते हैं और इसी तरह घूमते घूमते जब ये सूर्य के चारों ओर भी एक अंडाकार कक्ष में इलेप्टिकल ऑर्बिट में परिभ्रमण करती है तो उस गति को रेवोल्यूशन कहते हैं अपने अक्ष के चारों ओर घूमने घूमने के कारण दिन और रात होते हैं और सूर्य के चार ओर परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं बदलती हैं तो इस समय जो पृथ्वी घूमती घूमती इस अवस्था में पहुंचती है कि अब वहां से सूर्य की गति अगर हम सापेक्ष देखें कि पृथ्वी को स्थिर मान लें तो सूर्य चलता प्रतीत होगा तो ऐसे में लगेगा कि अब सूर्य जो है दक्षिण जाता जाता अपनी अधिकतम सीमा तक चला गया मकर राशि तक चला गया मकर रेखा तक जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं वहां तक चला गया उससे अधिक सूर्य दक्षिण नहीं जा सकता अब वहां से उसकी फिर नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू हो जाती है उत्तर की ओर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है इसलिए इसे उत्तरायण कहते हैं वास्तव में यह उत्तरायण की यात्रा 21 बाईस दिसंबर को ही शुरू हो जाती है लेकिन क्योंकि ये मकर संक्रांति आज के दिन घटित होती है और अब स्पष्ट दिखने लगता है कि दिन बड़ा होने लगा प्रकाश अधिक होने लगा इसलिए आज के दिन ही इसे उत्तरायण भी माना जाता है जबकि खगोलीय सिद्धांतों के अनुसार देखेंगे तो उत्तरायण यात्रा तो सूर्य की थोड़े पहले से ही शुरू हो चुकी होती है तो इसलिए आज के दिन कहते हैं कि मकर संक्रांति होती है और उत्तरायण गति या यात्रा आरंभ हो जाती है जिसे शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में क्योंकि ये प्रकाश की ओर गति है बड़े होते दिन की ओर गति है और इसलिए ऐसे में शरीर त्याग को हमारे यहाँ शुभ माना गया है इस दिन गंगा स्नान कर व्रत कथा दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है मकर का मतलब है जो हमने पहले भी देखा कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर राशि कहते हैं और कॉन्स्टिलेशन तारों से बनने वाले एक खास पैटर्न को कहा जाता है जिन्हें हम पहचान सकें कि तारे कुछ तारे आपस में एक ऐसी स्थिति परस्पर स्थिति बना के रहते हैं जो कि उस समूह के तारों के लिए भले ही वो घूमते रहते हैं लेकिन उनके बीच में जो परस्पर सापेक्ष स्थितियां रहती हैं वो लगभग लगभग एक जैसी रहती हैं अर्थात उन तारों के समूहों को देखा जाए तो वो हमेशा एक आकृति बनाते हैं जिसके कारण उन्हें अलग अलग राशियों का नाम दिया जाता है और इस तरह से सूर्य हर महीने एक संक्रांति करता है ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति ही एक मेवशक संक्रांति है बारह महीनों में बारह राशियां बदलती हैं और हर महीने एक संक्रांति होती है लेकिन इनमें से दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संक्रांति मानी जाती हैं एक मकर जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और पुनः कर्क संक्रांति जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से फिर दक्षिण की ओर चलने लगते हैं दक्षिणायन की गति होने लगती है तो इस तरह से एक वर्ष को छ छ महीनों के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कह सकते हैं उत्तरायण में पृथ्वी के जिस भाग में उत्तरायण होता है वहां पर दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती हैं और दक्षिणायन जिधर होते हैं उधर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं और अगर हम ध्रुव की ओर चले जाए तो वहां पर एक तरफ चौबीस घंटे का दिन रहेगा और दूसरी ओर 2400 घंटे रात ही रहेगी अर्थात छह महीने का दिन और दूसरे ध्रुव पर छह महीने की रात और फिर छह महीने के बाद यह स्थिति बदल जाती है तो ये कॉन्स्टिलेशन का एक कॉन्सेप्ट था और कहते हैं कि संक्रांति अर्थात ट्रांजिशन इस दिन मोटे तौर पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह विंटर सोलस्टिस के बाद आता है यानी सर्दियों की जो सबसे लंबी रात होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो 22 दिसंबर 21 बाईस दिसंबर को होता है उसके बाद से ही दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं हम लोग बच्चे थे तब जो इस समय छुट्टियां होती थी उसे उन्हें बड़े दिन की छुट्टी कहते थे क्योंकि तब से दिन बड़े होने लगते हैं तो इसका आसान भाषा में यह मतलब है कि सूर्य किस समूह तारा समूह या राशि के सामने आ गया है क्योंकि सूर्य तो घूमता नहीं है कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं सर्दियों की ऋतु शीत ऋतु का होने लगता है वसंत ऋतु के आगमन का संदेश लिए आता है ये मकर संक्रांति का पर्व इसे उत्तरायण हमने देखा इसलिए भी कहते हैं कि सूर्य अब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध सऊदर्न हेमिसफेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अपनी गति आरंभ यात्रा आरंभ कर देता है और यह प्रक्रिया पूरी होती है समर सोलस्टिस के दिन जिस दिन सबसे लंबा दिन 21 जून या 22 जून को होता है अब इसके पीछे की जुड़ी कई कहानियां भी हैं जो हम लोग देखेंगे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं जब सूर्य की गति उत्तरायण होती है तो कहा जाता है कि उस समय से सूर्य की किरणों से अमृत की वर्षा होने लगती है इस वर्ष इसे 15 जनवरी को मनाया गया और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो देखेंगे कि लगभग बहत्तर या 80 वर्ष के बाद ये जो घूमने में जो पूरे के पूरे तीन दिन का समय नहीं लगता है कुछ घंटे कुछ मिनट रहते हैं तो इसकी गणनाएं जो होती हैं वो करीब बहत्तर या अस्सी साल के बाद एक एक दिन का फ़र्क लाती जाती हैं इसलिए कहा जाता है कि कई एक दो शताब्दी पूर्व या तेरह चौदह जनवरी को उसके पहले ग्यारह बारह जनवरी को उसके पहले दस ग्यारह जनवरी को भी मनाया जाता था और आने वाली सदियों में यह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह जनवरी ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा मकर संक्रांति को देवदान पर्व के नाम से भी जाना जाता है इसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और तद अनुसार लोग नदियों में विशेष रूप से जो हमारी पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा और कावेरी इनमें पवित्र डुबकियां लगाते हैं मान्यता है कि इनमें स्नान करने से पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं वे सूर्य की भी प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलताओं और समृद्धि के लिए उन्हें धन्यवाद या कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से वैदिक मतावलंबियों के बीच पाई जाने वाली एक साझा सांस्कृतिक प्रथा विशेष रूप से तिल और गुड़ खाने का आधार व्यक्तियों के बीच विशिष्टता और मतभेदों के बावजूद शांति और खुशी खुशी एक साथ रहने का भी प्रतीक है भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए यह अवधि रबी की फसल और कृषि चक्र के शुरुआती चरणों का एक हिस्सा है जहां फसलें बोई जा चुकी होती हैं और खेतों में कड़ी मेहनत ज्यादातर खत्म हो चुकी होती है इस प्रकार यह समय समाजीकरण की अवधि को चिन्हित करता है और परिवार एक दूसरे की संगति का संग का आनंद लेते हैं अपने पशुओं की देखभाल करते हैं अलाव के पास जश्न मनाते हैं पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ सामान्य परंपराओं में सम्मिलित हैं। नदियों और झीलों में पवित्र डुबकी लगाना माना जाता है कि यह अनुष्ठान शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और अच्छे भाग्य की शुरुआत करता है प्रार्थना करना और मंत्रों का जप करना भक्त सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि और प्रसन्नता के लिए आशीर्वाद की याचना करते हैं मिठाइया और व्यंजन तैयार करना और बांटना उत्सव में भोजन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है लोग फसल की प्रचुरता के प्रतीक के रूप में तिल के लड्डू गजक या तिलकुट और खिचड़ी जैसी पारंपरिक मिठाइयां तैयार करते हैं और साझा करते हैं मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय गतिविधि है जिसका आनंद सभी उम्र के लोग लेते हैं आकाश में उड़ती जीवंत पतंगे रंग बिरंगी पतंगे सूर्य की ऊपर की ओर यात्रा और उज्जवल भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करती है अलाव और सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों में नकारात्मकता को दूर करने और गर्मी और प्रकाश के स्वागत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाया जाता है लोक गीतों और नृत्यों वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव की भावना को बढ़ाते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं देखा हमने कि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उत्तरायण होता है शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवी देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवी देवताओं की रात के रूप में माना गया है मकर संक्रांति के दिन स्नान दान तप जप श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अतिशय महत्व है शास्त्रों के अनुसार इस अवसर पर किया गया दान कई गुना सौ गुना होकर प्राप्त होता है इसलिए इस दिन घी और कंबल के दान का भी विशेष महत्व है इस त्योहार का संबंध केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इसका संबंध ऋतु परिवर्तन और कृषि से भी है सूर्य को सभी ग्रहों का देवता माना जाता है सूर्य सभी बारह राशियों को प्रभावित करते हैं लेकिन कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश महत्वपूर्ण विशेष महत्व का जाना जाता है इसके अलावा ऐसा ही मेषक्रांत संक्रांति भी होती है प्राचीन काल से ही मकर संक्रांति के दिन को अतिशय शुभ माना गया है इस दिन से शुभ कार्य आरंभ होने शुरू हो जाते मकर संक्रांति के बाद नदियों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है शरीर के अंदर की बीमारियां दूर होती हैं इस मौसम में तिल और गुड़ खाना काफी लाभप्रद होता है यह शरीर को गर्म रखता है उत्तरायण में सूर्य का ताप शीत को कम करता है मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में खिचड़ी खाई जाती है खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होती है खिचड़ी का सेवन करने से पाचन क्रिया रूप से संचालित होने लगती है इसके साथ ही यदि खिचड़ी मटर और अदरक मिलाकर बनाएं तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है यह शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिवर्धन करती है साथ ही बैक्टीरिया इत्यादि से लड़ने में भी हान हानिकारक बैक्टीरिया इत्यादि से भी लड़ने में मदद करती है आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में चलने वाली सर्द हवाओं से लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं इसलिए प्रसाद के रूप में खिचड़ी तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने का मिठाइयां खाने का प्रचलन है तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों को खाने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है शरीर के अंदर उष्मा बढ़ती है तिल में कॉपर मैग्नीशियम, आयरन मैंगनीज कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक विटामिन बी वन और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं गुड़ हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और वात रोगों को भी श्रमित करता है इसलिए संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाई जाती है विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी अन्य पर्व में नहीं जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संक्रांत के नाम से विख्यात है कुछ लोग इसे उत्तरायण अत्रैण अथवा अत्रणी के नाम से भी पुकारते हैं इससे एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है जो कि पौष मास के अंत का प्रतीक है सक मकर संक्रांति के दिन यूं तो अभी पूरी होती नहीं है लेकिन इससे कुछ दिन के बाद ही माघ मास का आरंभ भी माना जाता है इसलिए इसे माघी संक्रांत भी कहा जाता है डोगरा घरानों में इस दिन माह की दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है मनसना किया जाता है इसके उपरांत माह की दाल की खिचड़ी को खाया जाता है इसलिए इसको खिचड़ी वाला पर्व भी कहा जाता है जम्मू में इस दिन बाबा अंबोजी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है उधमपुर की देविका नदी के तट पर हीरानगर के धगवाल में और जम्, जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर जैसे पुरमंडल और उत्तर बहनी पर इस दिन मेले लगते हैं भद्रवाह के वासुकी मंदिर की प्रतिमा को आज के दिन घृत से ढका जाता है उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है प्रयागराज में गंगा यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है चौदह जनवरी या पंद्रह जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है एक समय था जब आज भी है बहुत से तबकों में इसे माना जाता है चौदह दिसंबर से चौदह जनवरी तक इसे खर मास कहते हैं बुरा मास कहते हैं इसलिए इसमें किसी शुभ कार्य का संपादन जैसे शादी विवाह या उनके लिए रिश्तों की तलाश इत्यादि भी नहीं की जाती है चौदह जनवरी मकर संक्रांति से खर्म खर मास समाप्त होता है और माघ मेले का पहला स्नान करके शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है बागेश्वर में बड़ा मेला होता है वैसे गंगा स्नान रामेश्वर चित्रशिला एवं अन्य स्नानों स्थानों पर भी होते हैं समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा तो इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी चूड़ा दही के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पूरे बिहारवासी दिन में दही चूड़ा और रात में खिचड़ी बनाकर यह पर्व को मनाते हैं इस दिन लाई या ढोंडा यानी चूड़े या मुढ़ी का लड्डू भी बनाकर खाया और वितरित किया जाता है महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास तेल बेर गेहूं आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं और इसे हल्दी कुमकुम के रूप में मनाती हैं इस दिन लोग एक दूसरे को तिल की मिठाइयां बांटकर और कहते हैं तिल तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला अर्थात तिल गुड़ खाइये और जैसे तिल गुड़ का मिश्रण इसकी मिठाई मीठी होती है वैसे ही गोड़ गोड़ अर्थात मीठा मीठा बोलिए मधुरभाषी बनिए और महिलाएं सज धज कर एक दूसरे के सुहाग की शुभकामना के रूप में हल्दी कुमकुम का रंगोलियां बनाकर और हल्दी कुमकुम का पर्व भी मनाती है बंगाल में इस दिन पर आ, स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है यहां गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी आगे हम लोग कथाएं सुनेंगे कि ये मकर संक्रांति जो पर्व मनाया जाता है इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे तब देखेंगे कि इस दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में बंगाल की खाड़ी में जा मिली थी और इसलिए इस दिन गंगा सागर में भारी मेला लगता है लाखों लोगों की भीड़ लगती है अनेकों कष्ट उठाकर लोग गंगा सागर की यात्रा करते हैं और कहावत भी प्रचलित है कि सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में चार दिनों तक मनाते हैं प्रथम दिन भोगी पोंगल द्वितीय दिन सूर्य पोंगल तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चतुर्थवा अंतिम दिवस कन्या पोंगल इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल कहते हैं इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बीहू भु के नाम से मनाते हैं राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं भी महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का चौदह की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर चौदह ब्राह्मणों को अथवा लोगों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखाई देती है उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है में इस मुख्य पर्व मकर संक्रांति को घुघुती या घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है आज के के दिन उत्तराखंड के सभी लोग अपने दिन की शुरुआत प्रातः स्नान से करते हैं घर की महिलाओं द्वारा रसवाड़े की मोल मिट्टी की सहायता से लिपाई पुताई की जाती है उसके बाद सभी लोग द्वारा अपने घर के देवता स्वरूप दे... कुल देवताओं की पूजा की जाती है और दिन के भोजन में घुघुतिया बनाई जाती है यह घुघुतिया आटे की सहायता से बनाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से घुघुतिया तैयार किए जाते हैं इन्हें परिवार के छोटे बच्चों द्वारा कागा कौवे को अपने से खिलाया जाता है मकर संक्रांति के दिन जब तब दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का पूरे देश भर में या विदेशों में भी विशेष महत्व है माघे मासे घृत कम्बल स भुक्त सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। अर्थात मकर संक्रांति के अवसर पर जो गंगासन व गंगा तट पर कंबल इत्यादि का दान करते हैं वो अपने सभी भोगों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है माघ मकर तीर्थपति कहते हैं उस समय सारे तीर्थपति इस दिन जितने देवी देवता हैं वो विद अन्य मनुष्यों का रूप धारण करके आकर इन तीर्थों में स्नान करते हैं इसलिए इस दिन दान स्नान का बहुत महत्व है मकर संक्रांति जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं इस दिन भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है वहीं नीले आकाश में वायु के संग उड़ती पतंग मानवीय यथार्थ से रूबरू करवाती है संदेश देती है कि इंसान को शिखर पर पहुंचकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए धरती से अपने अपना संबंध जोड़े रखना चाहिए अपने कदम धरती पर जमाए रखना चाहिए कभी भी अहंकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए पतंग भले ही कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना उड़े उसे खींचने वाली डोर इंसान के हाथ पर धरती पर ही रहती है इसी तरह इंसान भी भले ही कितना ही धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन अभिमान की हवा के बूते विलासिताय ऐश्वर्य के आसमान में उड़ते समय उसे याद रखना चाहिए कि उसके सांसों की डोर भी परम पिता परमेश्वर अविनाशी के हाथों में ही रहती है इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी जड़ों से संस्कारों से अपने को जोड़े रखना चाहिए और अभिमान से अमानवीय कृत्यों से स्वयं को दूर रखना चाहिए मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं भी हैं जिनमें सबसे लोकप्रिय कथा है भगवान भास्कर सूर्य के अपने पुत्र शनि के घर आगमन की इसमें एक कथा है स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा आई है जिसमें कहा गया है कि सूर्य देव का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के संग में हुआ था सूर्य के तेज के कारण संज्ञा उनका मुखमंडल देख नहीं पाती थी उसकी आंखें सदा ढकी ही रहती थी उनसे सूर्य को तीन संतानें हुई यमुराज यमुना और वयस्वत उनके साथ रहने में संज्ञा को बहुत कठिनाई होती जा रही थी अतः उसने उन उनके साथ रहने की योग्यता अर्जित करने के लिए तप करने का निश्चय किया परंतु उन्हें छोड़कर कैसे जाती इसलिए अपने पीछे अपनी छाया नामक प्रतिकृति को पीछे छोड़ दिया और स्वयं तप को चली गई जिसका पता कहते हैं सूर्यदेव को न चला और छाया से भी तीन संतानें हुई शनि मनु और भद्रा इनमें शनि का वर्ण काला था और उसे देखकर सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया कहा कि ये मेरा पुत्र ऐसा काला मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता और उन्हें अलग कर दिया यहां तक कहते हैं कि क्रोध से उनके घर को भी जला डाला दोनों के बीच में शत्रुता हो गई और जब उन्होंने इतना अपमानित किया तो कहते हैं शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ी इसके कारण उनके रथ की गति मंद पड़ गई जिससे चारों ओर सृष्टि में हाहाकार मच गया और उन्हें कुष्ठ का रोग हो गया दोनों के बीच में यह वैर भाव देख जो यमराज थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जाकर अपने पिता सूर्य से प्रार्थना की और उन्हें समझा बुझाकर शनि के पुत्र शनि के घर जाने को कहा सूर्यदेव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और वे शनि के घर उन्होंने जाना स्वीकार किया उनके अपने घर आया देखकर शनि भी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं सब कुछ जल चुका था तिल भी जलकर काला हो गया था शनि ने तिल के साथ तिल से उनका स्वागत किया अपने पिता का तिल और गुड़ से कहते हैं तिल शनि को और गुड़ सूर्य देव को बहुत पसंद है इसलिए अगर हम तिल गुड़ आज के दिन भोग लगाते हैं तो इससे देव और सूर्य देव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और मकर राशि जो शनि का घर है तो सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसे शनि के घर आना कहते हैं अर्थात जिनके बीच में असहज संबंध थे यह पिता और पुत्र के अपने बैर भाव को छोड़कर मिलन का प्रतीक पर्व भी है इसके अतिरिक्त महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख आता है जो पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ है महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में शिखंडी का सहारा लेकर उसकी आड़ लेकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के परामर्श पर भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म वही युद्ध भूमि में शरविद्ध हो शर सैया पर गिर पड़े लेकिन वह समय दक्षिणायन का समय था सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में थे और वह समय मृत्यु के लिए शुभ नहीं माना गया है अतः कहते हैं कि अपार कष्ट सहन करते हुए भी सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा वाणों की सैया पर लेटे भीष्म करते रहे और सूर्य के उत्तरायण होने पर आज के दिन ही उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर वसुलोक को प्रस्थान किया था एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार संक्रांति के दिन गंगा नदी को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों कथा है कि कपिल मुनि ने उनके सगर राजा के साठ हजार पुत्रों को श्राप के द्वारा मार दिया गया मार दिया था प्रार्थना करने पर स्वभाव से जो करुणा से भरे होते हैं संत उन्होंने उपाय भी बताया कि अगर किसी प्रकार तुम गंगा को देवलोक से पृथ्वी पर ला सको तो उसके जल से तुम्हारे साठ हजार पुत्रों का उद्धार होगा और वो उनकी मुक्ति होगी राजा सगर के कहते हैं दो पीढ़ियां तपस्या करती रहीं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली अंत में भागीरथ महाराज ने घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और गंगा माता का धरती पर पदार्पण करवाया इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा कहते हैं कि गंगा माँ धरती पर उतरी और कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई आज के दिन ही बंगाल की खाड़ी में सागर में उन्होंने प्रवेश किया और उनके जल के स्पर्श से राजा सगर के साठ हजार पुत्र उन्होंने मुक्ति प्राप्त की इसके अतिरिक्त एक और कथा आती है कि इसी दिन यशोदा माता वो यशोदा माता ने भी विष्णु भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था उसी वरदान को पाते हुए माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु को अपने पुत्र के तौर पर प्राप्त किया था महाभारत के अनुसार आज के ही दिन महारथी धनुर्धारी कर्ण अपने स्वर्ण भंडार सभी भिखारियों भिक्षुकों और जरूरतमंदों के लिए खोल देते थे पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रचलित यह पर्व भगवान बाल कृष्ण के द्वारा लोहिता नामक राक्षसी के वध की खुशी में मनाया जाता है और उसे लोहड़ी कहते हैं शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया गया था और भगवान शिव के द्वारा उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस दिन को सबसे पवित्र और पवित्र दिन और पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है एक मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि आज की ही तिथि से देवताओं का दिन आरंभ होता है और एक मान्यता यह भी है कि शिव भगवान ने नंदी बैल को कहा था आज के दिन ही कि वे धरती पर जाएं और उनके अनुयायियों को संदेश दें कि उन्हें रोज स्नान करना है तेल स्नान करना है और महीने में एक बार भोजन खाना है कहते हैं कि नंदी ने उस संदेश को रट लिया और चल पड़े धरती की ओर रास्ते में जाते जाते वो मूल संदेश विस्मृत कर बैठे और वहां पर जाकर संदेश सुनाया कि महीने में एक बार स्नान तेल स्नान करना है और रोज भोजन करना है जब इसका पता भगवान शिव को चला तो वो बहुत क्रुद्ध हुए और नंदी को दंड स्वरूप आदेश दिया कि वो धरती पर जाकर किसानों की फसल को बोने में मदद करे ताकि वो रोज खाने के योग्य दाने फसल उगा सकें एक धार्मिक मान्यता के अनुसार आधार पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय से चली आ रही है तमिल भाषा में लिखे गए तंदनान रामायण के अनुसार मकर संक्रांति पर भगवान श्री राम ने एक पतंग उड़ाई थी उनके द्वारा उड़ाई गई वह पतंग इंद्रलोक चली गई धरती लोक से इंद्रलोक में आई पतंग देख सभी देवतागण काफी प्रसन्न हुए तब से यह पतंग उड़ाने की परंपरा आज भी जारी है माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन मधु और कैटभ असुरों का वध किया गया था एक कथा है कि जब असुरों ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया और उन्हें रोकने में देवतागण असमर्थ विफल रहे तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और असुरों के साथ युद्ध किया और उन सब का अंत कर उन्हें मंदार पर्वत के नीचे उनके सिरों को दबा कर रख दिया ताकि वे फिर से उत्पन्न ना हो सकें। मधु और कैटव ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा दानवों के इस वरदान को दयालु विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया और कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत पर दानवों को दर्शन देने आते हैं एक और कथा है जो कि आधुनिक युग की है कहते हैं कि जब खिलजी आक्रमण किया तो उस समय नाथ पंथ के योगी उनका डटकर सामना कर रहे थे उनसे युद्ध करते करते वे इतना थक जाते कि उन्हें भोजन पकाने का समय नहीं मिल पाता था जिस कारण उन्हें भूखे रहना पड़ता और वो दुर्बल होने लगे थे अपने योगियों की दुर्बलता को दूर भगाने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल और सब्जी को एकत्र कर पकाने को कहा बाबा गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जिनके नाम पर गोरखपुर पड़ा है इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा सभी योगियों को यह नया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और पुष्टिकारक लगा इससे उनके शरीर में नवीन ऊर्जा ऊर्जा का संचार हुआ और इसलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी मनाई जाती है एक समय की एक और कथा पुराणों में आती है कि पृथ्वी लोक पर एक समय बभरुवाहन नाम का राजा हुआ करता था उनका राज्य बड़ा सुखद था समृद्ध था राजा भी बड़े दयालु थे इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था जो कि बहुत सुशील धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी उसने सभी देवी देवताओं की उपासना की सब प्रकार के दान धर्म व्रत के नियमों का पालन किया अतिथियों की सेवा की पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज उसे धर्मराजपुर ले गए वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का ब्यौरा धर्मराज को सुनाया धर्मराज ने सब कुछ सुनकर प्रसन्नता तो व्यक्त की लेकिन उसके बाद वो थोड़े उदास से हो गए उनके मुखमंडल पर छाई खिन्नता व उदासी का भाव देखकर गुणवती ने पूछा कि मैंने तो सब सत्कर्म ही किए फिर आपके मुखमंडल पर यह उदासी क्यों कृपा कर मुझे बताएं कि मुझसे क्या भूल हुई भगवान धर्मराज ने कहा हे hey देवी तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए उपासना की परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान धर्म नहीं किया यह सुनते ही गुणवती उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी और कहा कि एक अवसर मुझे दीजिए मुझे इसका ज्ञान नहीं था और मुझे इसके प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें धर्मराज ने प्रसन्न होकर विनती सुनकर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया और कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा आरंभ करना और उस दिन से लेकर एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी उसके परिजनों के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और इस बार गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप को स्मरण में रख स्मरण रखते हुए उनका व्रत किया नियमों का पालन किया और एक वर्ष तक उस पूजा का अनुष्ठान कर उसका उद्यापन किया इसके प्रभाव से उस पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ये थी मकर संक्रांति के पीछे की पौराणिक कथाएं अब हम लोग मकर संक्रांति के वैज्ञानिक पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की धुरी साढ़े तेईस अंश झुकी होने के कारण सूर्य और इस तरह से जब ये घूमती है पृथ्वी के ओर सूर्य के चारों ओर तो उत्तरी गोलार्ध के निकट छह माह और छह माह दक्षिणी गोलार्ध में रहती है मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आने शुरू हो जाते हैं सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं इस तरह मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना पर आधारित त्योहार है ज्ञात हो कि विश्व की 90 प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहती है जिनको सूर्य के उत्तरायण होने पर ठंड से सर्दी से शीत ऋतु के प्रकोप से राहत मिलनी शुरू हो जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है सूर्य के परिक्रमा वर्ष को निहारिका वर्ष भी कहा जाता है सूर्य हर वर्ष धनु राशि से मकर राशि में 20 मिनट की देरी से प्रवेश करता है बीस या करीब समझे तो कुछ इससे थोड़ा सा और मिन मिनट के बाद सेकंड में भी फर्क रहता है इस आकलन के अनुसार तीन साल बाद बीस या साठ यानी एक दिन का और ऐसे ही अगर हम लोग करें कि तीन साल में एक घंटे हुए तो ऐसे करके चौबीस साल और फिर बहत्तर वर्षों में गुना करके देखें तो एक दिन की देर हो जाती है यानी मकर राशि में जो सूर्य का संक्रमण होता है बहत्तर वर्षों के बाद इसमें एक दिन अधिक हो जाता है जिसे यही कारण है कि कहते हैं कि पहले कभी 11 जनवरी 12 जनवरी 13 जनवरी 14 जनवरी और अब कुछ वर्षों से यह 15 जनवरी को होने लगी है और संभव है कि अगली शताब्दी में कुछ वर्षों के बाद ये 16 जनवरी को होने लगे क्योंकि ये सूर्य की गति पर आधारित ये त्यौहार है वर्ष 2023 में 15 को मनाया गया था इस बार भी 2020 से ही लगभग ये 15 जनवरी को ही मनाया जाता आ रहा है और कहते हैं कि वर्ष 2101 हजार ईस्वी में यह पर्व 16 जनवरी को मनाया जाएगा इसके पहले भी कहते हैं 2012 और 2020 को 15 को मनाई गई थी और उससे पूर्व 18वीं सदी में 12 और 13 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाता था उससे भी पहले छत्रपति शिवाजी के समय में 11 जनवरी को मुगल बादशाह अकबर के समय में 10 जनवरी को ऐसे तो इसका एक वैज्ञानिक आधार भी समझ में आता है कि जो हमारी गणनाएं होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस तो हर साल का जो एडजस्टमेंट होता है वो बढ़ता बढ़ता बहत्तर से 80 साल में एक दिन का हो जाता है और इसीलिए एक एक दिन आगे चलता जा रहा है यह मकर संक्रांति का पर्व तो ये तो था मकर संक्रांति का वैज्ञानिक आधार और अब अंत में हम लोग आते हैं इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व की ओर हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पर्व हैं वो सांकेतिक हैं उनमें एक प्रतीकात्मकता होती है कि जैसे किसी भी चीज का एक बाह्य बहिरंग होता है और उसका एक अंतरंग भी होता है बाहर से जो दिखाई देता है वो अलग होता है और उसके साथ साथ उसका जो अंदर में उसकी जो डिटेल्स होती हैं जो उसकी वास्तविकता होती है जो छिपी हुई होती है बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होती है वो उसका अंतरंग कहलाती है तो जिस प्रकार किसी चीज का एक बहिरंग होता है और साथ ही उसका अंतरंग भी होता है अंतर अंग भी होता है वैसे ही लगभग हमारे सभी पर्व त्योहारों का एक बाह्य लोक प्रचलित रूप होता है किंतु उनका एक गुह्य आंतरिक आध्यात्मिक स्वरूप भी होता है जिसे समय समय पर संत महात्मा अवतीर्ण होकर उद्घाटित करते रहते हैं यह सिद्धांत जो हमारे हरेक महत्वपूर्ण पर्व चाहे वो महाशिवरात्रि हो चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो रामनवमी हो नवरात्रि हो नरक चतुर्दशी हो दीपावली हो हर पर्व के संबंध में लागू होता है वैसे ही यह सिद्धांत मकर संक्रांति के पर्व पर भी लागू होता है अर्थात इसका भी एक अंतर्निहित आध्यात्मिक महत्व या वास्तविक स्वरूप भी होता है जो बाहर की जो हमारी पूजा उपासनाएं हैं जो पद्धतियां हैं हमारी अर्चना की वो असल में एक संकेत देती हैं कि अंत साधना करके हमें अपने स्वरूप को पहचानने की अध्यात्म की ओर प्रेरित करने की इसलिए जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि उस दिन से देवताओं का प्रात या भोर शुरू हो जाती है दिन शुरू हो जाता है और दानवों की रात्रि और इसके बाद पृथ्वी लोक के समय के अनुसार छह माह तक देवताओं के लिए दिन और दानवों के लिए रात्रि का समय हो जाता है साथ ही जो श्लोक आप देख रहे हैं अभी पर्दे पर ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है आठवें अध्याय का ये चौबीसवां श्लोक जिसमें कहते हैं अग्नि अग्निज्योतिर शुल्क शणमासा उत्तरायण प्रयाता गति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना अग्नि ज्योति और आह मतलब दिन शुक्ल षणमासा ये शुल्क गलत हो गया है मैंने कहीं से स्क्रीन शॉर्ट इंटरनेट से लिया इसलिए श्लोक भी गलत आ गया है तो ये शुक्ल है देखिए अर्थात धवल प्रकाश अग्नि ज्योति अह दिन ये सब प्रकाश के प्रतीक हैं और ये कहते हैं कि ऐसे छह मास जो उत्तरायण के होते हैं तत्र प्रयाता उसमें जो जाने का यत्न करते हैं वो गच्छंदी वो कहा जाते हैं तो वो ब्रह्म विद ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जो उत्तरायण में जाकर अपना शरीर छोड़ते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो मोक्ष की दशा में जाते हैं अब अगर हम इस श्लोक पर विचार करें तो छह महीनों का उत्तरायण होता है तो क्या उन छह महीनों में जो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे पूरे विश्व में क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है ये किसी खास वर्ग के लोगों पर इन किसके सिद्धांत लागू नहीं होते ये सार्वभौमिक सिद्धांत है तो क्या इन छह महीनों में जो भी मरेंगे चाहे उनके जीवन भर के कर्म जैसे भी रहे हो क्या वो स्वर्ग को जाएंगे मोक्ष को जाएंगे और शेष छह महीने जो दक्षिणायन के हैं उसमें जो भी मरेंगे क्या उन्होंने कितने भी अच्छे कर्म किए हों क्या वो नरक के भागी होंगे अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे कितने महान पुरुषों ने दक्षिणायन में भी प्राण त्यागे हैं उत्तरायण में भी प्राण त्यागे हैं देवी देवता और संत ऋषि सब उनमें सम्मिलित हैं तो फिर इस सिद्धांत का क्या अर्थ है अगर इस तरह से हम विचार करें इस पर तो ये तर्क की कसौटी पर सही नहीं ठहरता कुछ तो लगता है कि यहाँ छिपा हुआ अर्थ होना चाहिए इसका कोई तो गुहता गुप्तता है इसमें जिसका संकेत तो मिलता है लेकिन उसकी वास्तविकता उजागर नहीं होती और यहीं पर आवश्यकता होती है संतों के ज्ञानी पुरुषों के तत्व दृष्टाओं के आविर्भाव की वो इनका छिपा हुआ अर्थ हम पर प्रकट करते हैं उद्भाषित करते हैं और ऐसा ही एक प्रसंग मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा जो संत मत के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जीवन से आता है पंजवारा के निकट भारती कित्ता में पंजाब में एक एक दिन सत्संग हो रहा था उस दिन वहां एक विद्यालय के अध्यापक भी आए थे उन्होंने महर्षि में ही परमहंस जी से प्रश्न किया गीता में लिखा है कि छह महीने जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तो उस समय मृत्यु होने से मोक्ष नहीं मिलता और छह महीने जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं तो उस समय मृत्यु होने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है इसका वास्तविक तात्पर्य आप क्या समझते हैं महर्षि में ही ने उत्तर दिया संतमत के अनुसार संतमत अर्थात सभी संतों का मत जो प्राचीन काल में ऋषि कहलाते थे अर्वाचीन क्लास में अर्वाचीन काल में उन्हें ही संत कहा गया ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा ज्ञान दृष्टा परमात्मा साक्षात्कारी कहते हैं महर्षि में ही परमहंस जी संतमत के अनुसार दक्षिणायन का अर्थ होता है नीचे के छह चक्र हमारे शरीर में नीचे के जो छह चक्र होते हैं यौगिक चक्र यानी मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धाख्य और आज्ञा जो सबसे नीचे हमारी कहते हैं कुंडली नहीं साढ़े तीन फेरे मारकर और मूलाधार में जो गुदा चक्र होता है हमारा वहां अवस्था में रहती है उसके ऊपर जो लिंग चक्र है जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं उसके ऊपर नाभि चक्र है जिसे मणिपूरक चक्र कहते हैं उसके ऊपर अनाहत चक्र है जो हृदय चक्र भी कहते हैं उसे और कंठ चक्र जिसे विशुद्ध चक्र या विशुद्धाख्य कहते हैं और दोनों आंखों के बीच में नासिका और नेत्रों के बीच का जो मिलन स्थल है नयन नासिका अग्र है तहा ब्रह्म को वास कहा सूरदास संत सूरदास जी ने वहां पर आज्ञा चक्र होता है ये नीचे के छह चक्र ये दक्षिणायन कहलाते हैं जब तक जीव का निवास आज्ञा चक्र में रहता है तब तक आवागमन के चक्र से उसे छुटकारा नहीं मिलता उत्तरायण के अर्थ हैं ऊपर के छह चक्र बताएंगे अभी आगे कि उत्तरायण इसे क्यों और उन छह चक्रों को दक्षिणायण क्यों कहते हैं ऊपर के चक्र यानी सहस्त्र दल कमल शून्य महाशून्य भवर गुफा या महाकारण और सतलोक व कैवल्य मंडल व चैतन्य मंडल जब इस ऊर्ध्व पथ पर चलकर जीवात्मा सतलोक पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे मोक्ष मिल जाता है अर्थात संतों ने पिंड के शरीर के छह चक्रों को दक्षिणायन और ब्रह्मांड के जो एक तो ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स होता है और एक ब्रह्मांड जैसे शरीर में आज्ञा चक्र और उससे नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और उससे ऊपर के जो तल हैं उन्हें ब्रह्मांड कहते हैं तो कहते हैं महर्षिमयी परमहंस जी महाराज कि ऊपर के छह चक्र संतों ने पंड पिंड के छह चक्रों को दक्षिणायन तथा ब्रह्मांड के अर्थात छहो चक्रों को उत्तरायण नाम से अभिहित किया है जो प्रश्न करता थे वो शिक्षक थे इसलिए कहते हैं महर्षिमयी परमहंस आप शिक्षक लोग जिस भांति नक्शे के नक्शा अर्थात मानचित्र या मैप जो ज्योग्राफिकल मैप होता है आप शिक्षक लोग जिस भांति नक्शे के निचले भाग को दक्षिण एवं ऊपर की दिशा को उत्तर मानते हैं उसी भांति संतों ने भी नीचे की ओर पिंड और ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की अवस्थिति स्वीकार की है इस तरह जो कहने का तात्पर्य था कि जो संसार में संसार के विषयों में रमे रहते हुए अपनी पूरी चेतना को शरीर और इन छह चक्र नीचे के छह चक्रों में ही सीमित रखते हैं वो दक्षिणायन में होते हैं और जो साधना की विधि सीखकर इसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदिष्टअनम ज्ञान तत्व उनसे ऐसे तत्व दृष्टा सदगुरु की शरण में जाकर उनसे युक्ति सीखकर अंत साधना का अभ्यास करके अपनी चेतना को अपनी सुरत को आज्ञा चक्र के अंदर प्रविष्ट कराकर अंदर के छह मंडलों की ओर गति करने लगते हैं वो उत्तरायण में जाते हैं और होते होते वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो यह रहस्य है उत्तरायण में शरीर त्याग कर मुक्ति प्राप्त करने का और दक्षिणायन में रहते हुए नरक में रहने का बंधन में रहने का शिक्षक महोदय यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और बोले हाँ मुझे भी यही अर्थ उपयुक्त जसता है और अगर हम उत्तरायण और दक्षिणायन के इस स्वरूप पर विचार करेंगे तब यह बात युक्ति युक्त लगने लगती है कि चाहे वर्ष के किसी भी महीने में किसी भी दिन किसी भी समय हमारी मृत्यु हो लेकिन मृत्यु के पहले साधना के अभ्यास से ध्याना अभ्यास से हमने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्ति युक्त युक्त्या बले न चय भ्रुवोर मध्य प्राणमाश्य के मध्य में आज्ञा चक्र से होकर अपनी चेतना को समेटकर जो पुरुष उत्तरायण में प्रस्थान करते हैं वो दिव्य ईश्वरीय साम्राज्य में जाते हैं और जो नीचे के छह चक्रों में ही लिपटे रह जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं वो दक्षिणायन में रहते हैं और सदा बंधन युक्त रहते हैं बंधन मुक्त होना है तो हमें उत्तरायण होना पड़ेगा यह वास्तविक स्वरूप है इसे कथा का चोला पहना दिया गया ताकि ये कथाएं जीवंत रहें और समय पाकर बीच बीच में संत महात्मा लोग उसके वास्तविक अर्थ को उद्घाटित करने के लिए आते रहे तो इस प्रकार आज की इस प्रस्तुति में हमने महान पर्व मकर संक्रांति के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से जाना यह पर्व हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता में हिमवत शीत से वसंत में अंधकार से प्रकाश में अज्ञान से ज्ञान में तथा बंधन से मोक्ष में संक्रमण का संदेश देता हुआ संक्रांति का की शिक्षा देता हुआ अनुकरणीय त्योहार है और इसके इस स्वरूप को समझकर यदि हम इस पर्व को मनाएं तो हमारा कल्याण होना सुनिश्चित है बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय आप सबों को मगर संक्रांति तिल संक्रांति की शुभकामनाएं